मूत्र देगा मनीष कश्यप न तो उसी में कहां जाओगे पता नहीं चलेगा, और हक देगा तो साला दब जाओगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्षमा चाहते हैं आप लोग। आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं कि जितना मनीष कश्यप के पीछे दौड़ता है चाटने के लिए, कुछ दिन में ऐसा स्थिति आ जाएगा ना कि मनीष कश्यप जाके कहीं पे हक देगा, वहां पे पीछे से चाटने पहुंच। अभी हम बात करने वाले हैं जो बिहार में आजकल फेमस चल रहे हैं, दीपक रिक्शा वाले। लेकिन कुछ झुंड के पत्रकार जाके उनका जो फेमस गिरी है डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी मैटर पे आज बोलने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो जाके मनीष कश्यप जिसको जाके आगे फेमस कर देते हैं, तो वहाँ पर मनीष कश्यप का चाटने के लिए वो लोग पहुँच जाते हैं। और ऐसे अनेकों पत्रकार हैं, उनका नाम हमको नहीं बताना है क्योंकि नाम बता तो शायद उनका प्रचार होगा। लेकिन आप लोग खुद समझ गए होंगे कि पता ना कौन सा एक्सपोज वाला तो और पता ना कौन सा लगाम वाला, ऐसे लोगों का लगाम लगाना जरूरी है। और हमारे मित्र लोग इसी बातचीत करने के लिए यहाँ पे जुटे हुए हैं, इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे हम। क्या नाम पड़ेगा पहले ये बता दीजिए। मेरा नाम तो विजय आनंद पड़ेगा। अच्छा, आपको जो मैटर हमने बताया उस मैटर के बारे में कुछ जानकारी है? देखिए, अब आप जानकारी के बारे में तो आप पूछ रहे हैं, तो हाँ। मैं जानकारी के बारे में बस इतना कहूंगा कि उसके सर से लेकर के और जो उसके नीचे का पांव है ना, पांव तलक की जमी हम खिसका देंगे अगर उस पर हम बोलना शुरू कर देंगे तो। ठीक है, तो उसको बोलना है आप सर के तले से जमीन खिसकाइए, चाहे ऊपर से उसका आसमान गायब करिए, लेकिन कुछ भी गायब करिए, लेकिन उसके बारे में कुछ बोलना है। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम बात दीपक रिक्शे वाले की करते हैं। ये जो टांगखिचवा गैंग है, टांगखिचवा गैंग को हम स्पेशली कहेंगे कि टांगखिचवा गैंग का काम ही है कि अगर आप आगे बढ़िएगा ना तो पीछे से जाएगा आपका टांग खींच के नीचे कर देगा, बस यही है। इसके अलावा लोग कुछ नहीं जानता है। अब बात आती है दीपक रिक्शे वाले की, तो दीपक रिक्शा वाला से जाते हैं मनीष कश्यप, उसका इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू लेकर के वो पूरा फेमस हो जाता है। बाकी इनके पीछे से जितने भी पत्रकार हैं वो सारे पत्रकार जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और रातों रात दीपक रिक्शा वाला मिमिक्री करके फेमस हो जाता है पूरे बिहार में। अब रही बात उसके अमीरी और गरीबी की, तो ये तो तय है कि वो दीपक रिक्शा वाला गरीब है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर गरीब नहीं रहता तो 20 साल से रिक्शा नहीं चलाता। अब दूसरी बात आती है कि उसके बहन की शादी की, तो इस ससुरा इस जा करके और कहता है कि उसकी बहन का लव मैरिज हुआ है, तो उसकी बहन इंटरव्यू में आती है और कहती है कि अगर हमारा लव मैरिज हुआ है या जिसके साथ हमारा सेटिंग है शादी का, तो तुम लोग हमारे पति को खोज करके लाओ, हम फ्री में कम शादी वादी कुछ नहीं करेंगे, हम उसके साथ खुशी खुशी रहने के लिए तैयार है। यहाँ पे हम रोकेंगे। वो तो आप जितना बात बताना है बात बता चुके हैं। दीपक रिक्शा वाला सही में गरीब, हम नहीं बताए हैं। ठीक है, ससुरा टांग खींचवा गैंग कह रहा है, सुनिए अब बता रहे हैं हम। पहले तो रात में वो 11-12 बजे जाता है दीपक रिक्शा वाले के घर, और उसकी बहन को ये लोग ससुरा बुलाता है, और जब इसकी बहन आती है और पता ना वो कौन सी ड्रेस पहनी है, और गलती से ये उसका वीडियो बनाता है, जो ये है मीडिया वाला, पता ना कौन पोज मीडिया वाला उसका नाम है, उस सारा उसका वीडियो बनाता है। पहले तो अवैध रूप से उसका वीडियो बना है, ये पहले सबसे बड़ा गलती काम किया है। लेकिन इसका सारा इंटरव्यू हम देख रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, नाम तो नहीं ले रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, इंडिकेशन, नाम नहीं देखिए, नाम लेके जन उसका प्रचार नहीं करना है हमको। एक बात आप लोग समझ लीजिए, वैसे वैसे चुतिय पत्रकार का नाम ना लेना है ना प्रचार करना है, वो लोग व्यू का खेल खेलना चाह रहा है। और रही बात मनीष कश्यप का, तो मनीष कश्यप आज के जो बिहार में जो पत्रकारिता का दौर चला हुआ है, वो पत्रकारिता जगत में क्रांति लाए हैं। अब आते हैं उस चुतियावा का, अगर चुतिया हमारे सामने वो मिल जाएगा ना, तो इसी किला में एक बार मच्छिया से उसका गर्दनिया में बांध के फांसी दे देंगे, लटका के फांसी दे दिया जाएगा उसको। लेकिन पहले तो मनीष कश्यप को सलाम, कहे से कि इस जगत में जो मीडिया वाला जगत है, पत्रकारिता वाला जगत है, इसमें क्रांतिकारी लाए, और इस ससुरा से हम पूछना चाहते हैं कि माइक लेकर इसे दौड़ता है, इसे जाके पूछे कि इसके चाचा लाए है, अपने चाचा को देख के आया है कि मनीष कश्यप को देख के आया है, और इस साला सवाल खड़ा करता है उसी पे और चाटने जाता है उसी का। और वो कहना हमेशा कहता रहता है कि हमने बिहार को लोगों को सच्चाई दिखाया, मनीष कश्यप का एक्सपोज किया। हाँ। उस चुतिया से हम कहना चाहते हैं कि तुम्हें एक्सपोज ही करना है, तो करो ना नेताओं का। अरे नेताओं का एक्सपोज नहीं करेगा, पता है कि पिछवाड़े से डंका घुसा के अगवाड़े में निकाल देंगे। आज हमारी बिहार की शिक्षा गर्त में चली गई है। हाँ। जितने भी हमारे युवा हैं सड़कों पे आ गए हैं, जितने भी हमारे युवा हैं बेरोजगार हो चुके हैं, उसका एक्सपोज करो ना।
आज हमारे जो एक अभी आए हुए हैं एक डिप्टी सीएम जी, वो कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले कहे थे कि हम युवाओं को बिहार में रोजगार का बम्पर नहीं बोले थे, बम्पर बोले थे कि बम्पर रोजगार का हम साधन बनाएंगे। आज देख ही रहे हैं वो कुछ रोजगार रोजगार नहीं मिलेगा। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, उनका एक्सपोज कीजिए ना। वो नहीं ना है दम उसमें, बोले आपसे कि पिछवाड़े से निकाल देगा, निकाल देगा। वो एक पार्टिकुलर समुदाय से आने वाले लोग हैं और वो पत्रकारिता के नाम पर वो बिहार के लिए कलंक है। और रही बात मनीष कश्यप की तुलना करने की, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मनीष कश्यप से उस हरामखोरों की तुलना काहे किया जा रहा है। मनीष कश्यप बिहार का ब्रांड है, आप नहीं समझ रहे हैं। मनीष कश्यप का तुलना नहीं उन लोगों से, उचुतिया लोगों से किया जा रहा है। बात सुने ना आप, उससे आप बात कर रहे हैं ना, उसका मनीष कश्यप से उसके मिला करके बातें करना सबसे बड़ा चुतियापा हो गया। इस बात तो कहे नहीं आप समझ रहे हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं, ब्रांड कल सोनू सूद आने वाले हैं, उसमें भी साला एक्सपोज बोल रहा है कि इस पे भी एक्सपोज करेंगे। अरे ससुरा, अपने खून में जाके एक्सपोज करो ना कि तुम्हारा खून असली है कि क्या है, पहले उस पे एक्सपोज करो। सोनू सूद कोरोना काल में बिहार के लोगों के लिए क्या क्या किए हैं, पूरा बिहार जानता है। बताने की जरूरत नहीं है, पूरा बिहार जानता है। मनीष कश्यप बिहार के लोगों के लिए क्या किए हैं, ये भी बात हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप, हम आपको भी बोल रहे हैं, अगर किसी पत्रकार को देकर आप मोटिवेट हुए हैं ना, तो हम दावे के साथ कहते हैं मनीष कश्यप, हम खुद बोले हैं कि आज हम माइक पकड़े हैं तो मनीष कश्यप को देख कर पकड़े हैं। पत्रकारिता जगत में कोई क्रांति लाने वाला है बस मनीष कश्यप। देखिए आप सब लोग बोलिए ना, एगो बात हमको बोलना है, हम अब इस पे बात बोलेंगे। डायरेक्ट जिसका यहाँ पे बात किया जा रहा है, किसी का यहाँ पे नाम पर्टिकुलर नहीं रखा जा रहा है, समझने वाला समझ जाएगा, देखने वाला भी खुद समझ जाएगा। लेकिन इस पे बोल देना चाहते हैं हम कि ससुरा का खून में दम है तो ये बोल रहा है कि बिहार के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। अरे ससुरा, मनीष कश्यप जाके वीडियो बनाया, मनीष कश्यप अपने पास से 50,000-51,000 उसको पैसा दिया और उसके बाद मनीष कश्यप अपने लोगों को बुलाया और मनीष कश्यप के नाम से पैसा मिला। तुम्हारे मामा मौसा देने आया था पैसा उसको, कि तुम्हारे पिछवाड़े में साला बवासीर हो रहा है। लोग इतना एक्सपोज करके दिखाया है तो उसका कमेंट जाके देखिएगा, 10 गो लोग उसको कमेंट किए हैं ना, तो 9 गो लोग उसको गाली दिए हैं क्योंकि मनीष कश्यप का नाम लिया है। अब आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं कि जितना मनीष कश्यप के पीछे दौड़ता है चाटने के लिए, कुछ दिन में ऐसा स्थिति आ जाएगा ना कि मनीष कश्यप जाके कहीं पे हक देगा, वहां पे पीछे से चाटने पहुंचेगा। अगर नहीं यकीन है तो आप लोग खुद देख लीजिए, कहीं भी जाके ऐसा मुद्दा पे मनीष कश्यप जब आवाज उठाते हैं तो इस साला कुकुर जैसे चाटने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पे चाटेंगे तो हमको व्यू मिल जाएगा, उसके रूप में कुछ पैसा कमाएंगे। हम तमाम मीडिया वालों से निवेदन करेंगे ना कि उस हरामखोर को आप लोग पहले नाम न लीजिए। हाँ, बात रही मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप जो कर रहे हैं बिहार के विकास के लिए, बिहार को बदलने के लिए, इस बदलते बिहार के परिवेश में मनीष कश्यप का जो योगदान है, उस योगदान को हमें जनता के सामने, जनता के पटल पर लाने की आवश्यकता है, ना कि उस हरामखोर की। वो हरामखोर टांग खिंचवा है। देखिए अब रही बात टांग खींचने की, वो खाली एक्सपोज के नाम पर खाली बिहार के लोगों को मूर्ख बना रहा है और स्पेशल पार्टिकुलर समुदाय के लोगों को अपने पक्ष में लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा वो असंभव हो रहा है। लोग मनीष कश्यप के साथ हैं। लेकिन अब दूसरी बात हम आपको बता दे रहे हैं कि मनीष कश्यप ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते हैं। अगर इसके पिछवाड़े में इतना ही दम है तो वो जा करके ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करे। आप देखिएगा ना, ग्राउंड 10 गो अगर वो पोस्ट करेगा ना, तो 10 गो में से 9 गो जानते हैं पुल पे जाएगा, गाजा मार लेगा, गाजा मार करके दांत चियार देगा, मोच लगेगा कि साला लंगूर का पोच है, उसका मोच बोल देगा कुछ। अरे हरा देंगे गाली ना, तो पूरा देखिए आप बोले ना एक बात कि मनीष कश्यप का जो है जनता के पटल पे लाने का जरूरत है। मनीष कश्यप के बारे में सब जानते हैं और मनीष कश्यप क्या करते हैं ये भी सब जानते हैं, लेकिन इस ससुरा अपना उसी में नाम बनाने के चक्कर में पड़ा है, तो इसको बता देना चाहते हैं कि जहां भी उसके चाटने के लिए पहुंच जा रहे हो ना, और जितना भी पैसा वो दिलवाया है ना, तो पहले तो ये बात बता दिए कि तुम्हारे मौसा या चाचा नहीं पैसा दिया है। अगर तुम्हारे पिछवाड़ा में दम है ना, तो एक आदमी के साला ऐसा मदद करके तुम दिखा दो, उसके बाद देखो कौन कितना लोग पहुंचता है वहां पे। आज की बिहार की स्थिति ये है कि मनीष कश्यप पहले तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, अगर कहीं भी कुछ समस्या होता है ना, तो ना लोग मंत्री का
खोजता है मनीष कश्यप, न लोग विधायक का खोजता है, न लोग मुखिया का, डायरेक्ट बोलता है कि मनीष कश्यप आए, हम मनीष कश्यप को बुलाना चाहते हैं, मनीष कश्यप हमारे मदद करेंगे, वो आएंगे। अगर तुम इतना ही सम्मानित हो तुम्हें लोग क्यों नहीं खोजते? अरे मर जाएगा साला, मर जाएगा तभी भी उसको लोग कभी नहीं खोजे। और एगो बात ही बोल देते हैं, इस ससुरा का एगो रिपोर्ट सुने थे, ये बोल रहा है कि हम इज्जत लूटेंगे, इज्जत ले लेंगे ऐसे लोग जो बिहार के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे। अरे ससुरा आ ना मेरे साथ, मेरे से कॉन्टेक्ट कर, तुम्हारा इज्जत ना बीच बाजार में हम ले लिए ना तो मेरा नाम क्या, और आज चेक कर लेना इज्जत ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और तुम मेरे को कॉन्टेक्ट कर, आराम से वीडियो देख लेगा ना तो कॉन्टेक्ट कर लेगा, कॉन्टेक्ट कर, तुमको इज्जत क्या लूटना होता है ये बात हम तुमको बताएंगे। और ये जो तुम भेड़वागिरी कर रहे हो ना कि जाके किसी का पीछे से चाटना, अगर तुम में सोचहू में दम था तो पता लगा के जाके मनीष कश्यप से सीधा सवाल करता, साला मुत देगा मनीष कश्यप ना तो उसी में कहां जाओगे पता नहीं चलेगा, और हक देगा तो साला दब जाओगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। इस ससुरा ऐसा है, गजेड़ी भंगेड़ी इसको जो भी बोले कि ऐसे शब्दों का हमको प्रयोग करना पड़ जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। लेकिन क्या करे, इस साला ऐसा है चुतिया ना, कैसे काम करना पड़ जा रहा है। अच्छा आप क्या बोलेगे भाई, बताइए। मनीष कश्यप तो एक बिहार का नंबर वन चैनल न्यूज है और बहुत बेहतरीन न्यूज को दिखाते है, जो रेल होता है वही दिखाते है मनीष कश्यप। वो तो हीरा है, केनूर है, बिहार का निकला हुआ जुनून एक लाल है जुनून है, लाल है उनके पास है, जो कि हकीकत दिखाते हैं वो, जो रियल में होता है वही दिखाते हैं। और बाकी सब जो ये गजड़ी भंगड़ी वाला है, बोलना तो नहीं चाहिए पर इतना ये खत्म इंसान है, मतलब पी कर दिन भर देखिएगा तो पड़ा रहता है। मनुष्य का सब जैसा मिलेगा वो, अरे ससुरा बस नाटक कर रहा है, इसको मनीष कश्यप जैसा मिलना वोलना कुछ नहीं है, बस मनीष कश्यप के चाटते हुए चटुकरता उसका करते हुए और बस अपना नाम बना लेना है। अब यहाँ पे अंत कर दिया जाए वीडियो का, और हाँ अंत में हम यही कहेंगे सबसे, आपसे भी और हम अपने अपनों पर भी, मैं खुद एक जनता एक्सप्रेस चैनल चलाता हूँ और मैं ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने पर ज्यादा विश्वास करता हूँ, और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि उस गजेड़ी भंगेड़ी के पीछे पड़ने से बेहतर है कि हम लोग ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करें और बिहार को बदलने में अपना योगदान दें कि हमारा बिहार शिक्षा के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ेगा, स्वास्थ्य कैसे मुहैया अच्छी होगी, रोजगार कैसे मिलेगा, हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो कैसे बेहतर होगा, हमारा जो बिहार है और बिहार को, बिहार के बिहारियों को कैसे एक बिहारी शब्द से गाली से इंगित किया जाता है, इसको बिहारी से गाली इंगित न कर करके बिहारी का एक प्राउड ऑफ बिहारी हो, इसके लिए हम लोग अपना अथक प्रयास करें। बाकी गजेड़ी का चक्कर छोड़े, आप देखिए बस हम यही कहेंगे, आप बता देना चाहते हैं, मर्द वही होता है जो कि वो मदद किया, मनीष कश्यप मदद किया और मदद करके वो बेचारे का उपकार करके वहां से वो आगे निकल गया, अपना काम आगे का जो है उसमें भिड़ गया, और ये सब साला पीछे से बस वही में। और पटना के, खास करके पटना के जो भीड़ वाले कुछ पत्रकार हैं ना, जाके उसके गजेड़िया के मुंह में ठूस रहे हैं, ऐसा किए वैसा किए, क्यों किए आप, क्यों बोलते हैं ये सब, आपसे थोड़ा विनती है, आप लोग दूर रहिए, सब लोग आप उसी में जाके व्यू बटोरने का काम कर रहे हैं, असली चीज दिखाइए आप लोग। देखिए बिहार का मुद्दा ये नहीं है, बिहार का जो मुद्दा है हमने अभी जिस चीज का नाम लिया उस चीज पर हम लोग, आप भी बिहार का मुद्दा बस तीन चीज है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और ये तीन चीज आप लोग समझ जाइए, लोगों की समस्याएं ये तीन चार चीज है बस समझ जाइए, उसी रूट पे आप लोग उसी नियम पे पत्रकारिता करिए, हमारा बिहार बदलेगा, मनीष कश्यप यही चाहते हैं, बस यहाँ से धन्यवाद।